हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। टुडेज वी डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस किस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मींस, इसका मतलब होता है लाइफ। ऑर्गेनिक टर्म का मतलब क्या होता है, लाइफ। अब लाइफ से जुड़ी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कहाँ से निकाले जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक टर्म का मीनिंग होता है लाइफ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। कंटेन्स कार्बन, इट शोज कैटेनेशन, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन फॉर्मिंग लॉन्ग चेन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, कार्बन के अंदर। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन होता है वो आपस में ज्वाइन होकर के एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, एक क्लोज चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये टेंडेंसी किसकी है, कार्बन की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसको हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी बोलते हैं या कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, तो कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब CH4 है, C6H12O6 ग्लूकोज है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 है, NH4CNO अमोनियम साइनेट है, NaCl है, HCl है, H2SO4 है, NaOH है। इन सब में अब आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हम कार्बन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सब कंपाउंड्स में जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं इनमें कार्बन प्रेजेंट है, और जो राइट साइड में लिखे हैं इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हम इन कंपाउंड्स को ये बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड्स जो राइट साइड में लिखे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। देखिए, जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं इन सब में कार्बन प्रेजेंट है तो इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, और जो राइट साइड में लिखे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। क्या ये बोलना सही है कि जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं वो सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि उनमें कार्बन पाया जाता है? नहीं, अभी हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि वो सही क्यों नहीं है। बट क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, CO, CO2 मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट साइनेट्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू दे कंटेन कार्बन। इनमें कार्बन तो पाया जाता है लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से इनमें कार्बन होने के बाद भी इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो जो सही क्लासिफिकेशन होगा हमारा वो क्या होगा, सो द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स इज क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका CH4 मीथेन, C6H12O6 ग्लूकोज, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये सब हो जाएंगे, और NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, CO2, CO, Na2CO3, NaHCO3, NH4CNO, ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। अब चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सुगर, आपको पता है सुगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहाँ, वो सुगर केन से किया जाता है एक्सट्रैक्ट, तो सुगर केन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएगा, तो इसीलिए जो सुगर है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। यूरिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसी तरीके से अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज रॉक्स, जैसे कि हम चट्टानों की बात करें
तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल्स की स्टडी हम कर रहे हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि इन 1815 में क्या हुआ था। 1815 में सबसे पहले बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बताया था, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बर्जीलियस हैं, इन्होंने कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो सब वाइटल फोर्स की वजह से बनते हैं। प्रपोज दैट अ वाइटल फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे वो सब वाइटल फोर्स की वजह से बनेंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी वर्जीलियस ने दी थी 1815 में। 1815 के पहले ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन अब के टाइम में ऐसा नहीं है। हम इसकी डिटेल स्टडी आगे करते रहेंगे, हमको पता चलेगा कि आज हम लेबोरेटरी में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन 1828 में बर्जीलियस के ही एक स्टूडेंट जिसका नाम है वोलर ने क्या किया, यूरिया का फॉर्मेशन किया, सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था वो कौन सा था, तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा यूरिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया था लैब में उसको किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वोलर। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूरिया जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बनाया गया वो किस कंपाउंड से बनाया गया, तो आप बोलेंगे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, जिसका फार्मूला होता है NH4CNO, इससे बनाया गया। आइए देखते हैं अमोनियम साइनेट से यूरिया को कैसे बनाया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हम इसको हीट करते हैं, सिंपली हीट करने से इसमें रीअरेंजमेंट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NH2CONH2, जो कि मॉलिकुलर फार्मूला होता है यूरिया का, तो इससे फॉर्मेशन हुआ यूरिया का और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इसकी वजह से जब यूरिया का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में होलर ने कर दिया तो 1828 के बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी टोटली डिस्प्रूव्ड हो गई। सो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड बाय होलर। अब क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्प्रूव किस साइंटिस्ट ने की थी, तो होलर ने की थी। अब इसके बाद देखते हैं कि 1845 में क्या हुआ। 1845 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कोल्बे, इन्होंने क्या किया, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोल्बे है, इन्होंने सिंथेसाइज किया था एसिटिक एसिड को फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो 1845 में कोल्बे ने सिंथेसाइज किया एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, देखिएगा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, आपका आंसर है क्या, यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड, जो कि किसने बनाया था, कोल्बे ने बनाया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर फ्रॉम इट्स एलिमेंट जोड़ करके पूछा जाए तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो एसिटिक एसिड होगा। नॉर्मली अगर फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, यूरिया होगा। इसके बाद 1856 में एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है बर्थलोट ने क्या किया, मेथेन का फॉर्मेशन किया, सिंथेसाइज मेथेन, इन्होंने मेथेन को बनाया लेबोरेटरी में। आइए अब इन पर बनने वाले कुछ एमसीक्यू देखते हैं, क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से निकाले जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड ऑप्शन है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड ऑप्शन है अर्थ क्रस्ट, फोर्थ ऑप्शन है सी। आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया वाज ऑब्टेंड फ्रॉम, किससे ऑब्टेंड किया गया था। आपको आंसर पहले से ही समझ में आ रहा होगा, अमोनियम साइनाइड। बताइए क्या ये अमोनियम साइनाइड सही आंसर है, नहीं, अमोनियम साइनेट था ना कि अमोनियम साइनाइड। तो सेकेंड ऑप्शन है अमोनियम साइनेट, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमोनियम साइनेट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे डेली के लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन, कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। देखिए मैं सिंपल में अगर आपसे कहूं तो आप ये समझ सकते हैं
कि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं, वो सब का सब क्या है? केमिस्ट्री है। तो आइए यही सब चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सब चीजें क्या है। तो फर्स्ट यूज इसका क्या होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में? आपको पता है बहुत सारी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, ये सारी मेडिसिन क्या है? केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है। और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आएगा। तो ये क्या है? सब मेडिसिन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज हो गया। दूसरा यूज हम बात करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। आपको पता है आप एलपीजी यूज करते हैं, आप ऑयल यूज करते हैं, आप पेट्रोल यूज करते हैं, जेली यूज करते हैं, एलपीजी और केरोसिन, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? ये सब का सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये भी इसका एक यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। थर्ड यूज की बात करें तो डाई इंडस्ट्रीज में बहुत सारा यूज हो सकता है। तरह तरह की डाइज का यूज किया जाता है, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। इंडिगो, एजो डाइज, ये सब अलग अलग टाइप की डाइज हो सकती हैं, हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फोर्थ यूज है पॉलीमर इंडस्ट्रीज में। पॉलीमर इंडस्ट्रीज में आप जानते हैं कि बहुत बहुत सारे फाइबर्स का यूज किया जाता है। बहुत सारे फाइबर्स में जैसे नाइलॉन है, जैसे टेरिलिन है, ये सब फाइबर्स जो होते हैं ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये भी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा यूज होता है, जैसे प्लास्टिक की बहुत सारी बॉटल्स हम बनाते हैं, प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं, ये सब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूज के अंदर आता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत सारी क्रीम्स बनाई जाती हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, टेलकम पाउडर्स बनाए जाते हैं, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो ये भी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूज होते हैं। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? फूड इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है, जैसे कि हम लोग केक बनाते हैं, ये सब केक्स में यूज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्वीटनिंग एजेंट्स जो भी होते हैं एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स जो भी होते हैं, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इसका यूज हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं यूरिया का यूज हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 पॉइंट हमारे पास है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। नाइलॉन फाइबर्स होते हैं, टेरिलिन फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज है। सोप इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए बहुत सारे सोप आपकी स्क्रीन पर होंगे, तो आप इसमें से अपना सोप देख सकते हैं आपका कौन सा है, सोप प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आगे चलते हैं। ये जो भी हमने पढ़ा वो सब था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूजेस के बारे में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उसमें हम लोग थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। अभी तक हम लोग कुछ बेसिक्स की बात कर रहे थे और अभी थोड़े से और बेसिक्स की बात करेंगे, फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस इन नंबर ड्यू टू, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं किसकी वजह से? इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द नेचर, व्हाई, क्यों पाए जाते हैं, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो उसका पहला रीजन है हाई कैटेनेशन कार्बन एबिलिटी। आपने पढ़ा था कि कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। दूसरा रीजन हो सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट हो सकता है कार्बन की टेट्रावैलेंसी, जिसको हम लोग क्वाड्रीवैलेंसी भी बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट हो सकता है कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म। आपको पता है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। कार्बन एग्जिबिटिंग बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, कार्बन के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब बेटा होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो एबिलिटी कार्बन के अंदर अच्छे तरीके से पाई जाती है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स इज नोन एज कैटेनेशन। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग इज नोन एज कैटेनेशन। द एलिमेंट विद हाईएस्ट कैटेनेशन एबिलिटी इज कार्बन। अभी मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जो कार्बन होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म फोर बॉन्ड्स इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। कार्बन जो होता है वो चार बॉन्ड्स बना सकता है, इसकी वजह से उसकी जो वैलेंसी होती है वो फोर होती है, और फोर होने की वजह से उसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन जो टेट्रावैलेंसी बना सकता है वो किस किस फॉर्म में पूरी हो सकती है? टू एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी कार्बन फॉर्म, कैसे कैसे चार बॉन्ड्स बना सकता है? चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है,
दो डबल बॉन्ड्स बना सकता है, एक डबल बॉन्ड बनाए या दो सिंगल बॉन्ड बनाए तो भी चार बॉन्ड बना सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड बनाए तो भी वो चार बॉन्ड बना सकता है। अभी हम सब इनके बारे में आगे देखते रहेंगे और आगे सीखते रहेंगे। ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2 होता है। याद रखिएगा ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये होता है 1s2 1s2 2s1 2p1 2p1 2p1। ये बेटा देखिए तीन बार यहां पर लिखा गया है 2p1 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 का क्या मतलब है, ये देखिए p में तीन ऑर्बिटल होते हैं बेटा, px py pz, तो px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, py में एक इलेक्ट्रॉन होगा और pz में एक इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल जो s का 2s2 था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें चला जाएगा, p के pz में चला जाएगा। इसको बेटा बोलते हैं प्रमोशन रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? प्रमोशन रूल। लेकिन याद रखिएगा प्रमोशन रूल सिर्फ और सिर्फ उसी में वैलिड होता है जिसमें ये सेल का नंबर सेम होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके जिस दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं उसमें सेल का नंबर सेम है अगर, तभी प्रमोशन रूल वैलिड होगा। तो ये है आपका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। फॉर एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज 501.6 किलो जूल पर मोल। 501.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्साइटेशन के लिए। मतलब 2s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम 2pz में लेकर जा रहे हैं उसके लिए 501.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। याद रखिएगा इस वैल्यू को कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस टेबल में हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन उस हाइड्रोकार्बन का क्या होगा उसको लिखेंगे, यहाँ कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी उसको लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी उसको लिखेंगे, और यहाँ पर हम उसके शेप और बॉन्ड एंगल को लिखेंगे। इसको लिखेंगे शेप को और बॉन्ड एंगल को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर CH4 या हम कहें कि एल्केन को ले लेते हैं। एल्केन एल्कीन एल्काइन में कैटेगराइज कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो एल्केन, एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर नैनोमीटर में पूछी जाएगी तो वहां पर ढंग से देख लीजिएगा कि नैनोमीटर में पूछी है या एंगस्ट्रॉम में पूछी है। यहाँ पर जो भी हम मेंशन कर रहे हैं वो एंगस्ट्रॉम में मेंशन कर रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.09 होती है, ये भी हम एंगस्ट्रॉम में ही बात कर रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें शेप की तो यहाँ शेप होता है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109 degree 28 minute, या इसको हम लोग 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, कभी कभी 109.5 डिग्री भी लिखा मिलेगा आपको। दूसरी बात करते हैं हम एल्कीन्स की। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या होगा, sp2 होगा, और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो 1.08 एंगस्ट्रॉम होगी, और यहाँ पर शेप की बात करें तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल होगा 120 डिग्री का। थर्ड नंबर पर अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ आपका sp, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो होती है 1.06 एंगस्ट्रॉम, और अगर इसके शेप की और बॉन्ड एंगल की बात करें तो शेप होता है लीनियर और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार लर्न कर लीजिए, अच्छी टेबल है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल। लीनियर ओवरलैपिंग की जगह पर बेटा एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी मिल सकता है या एक्सियल ओवरलैपिंग भी मिल सकता है। तो लीनियर ओवरलैपिंग की जगह आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग यूज कर सकते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग एंड टू एंड होती है या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पर लिखा है लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग की जगह पर बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या यूज कर सकते हैं?
साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, उससे बनने वाला बॉन्ड होगा आपका क्या, पाई बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करें कि किस किस टाइप के कार्बन और हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी कार्बन की। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो किसी दूसरे एक कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन, अगर प्राइमरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर टू कार्बन एटम, जब कोई कार्बन एटम दो कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्शियरी कार्बन की बात करते हैं, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर थ्री कार्बन एटम्स, जब कोई कार्बन दूसरे तीन कार्बन एटम से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन या थ्री डिग्री कार्बन। अब टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होगा, टर्शियरी हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन एटम होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी हाइड्रोजन। क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है, अ कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर फोर कार्बन एटम्स, चार कार्बन एटम से लगा हुआ हाइड्रोजन, चार कार्बन एटम से लगा हुआ कार्बन क्वार्टरनरी कार्बन कहलाता है या फोर डिग्री कार्बन कहलाता है। क्या क्वार्टरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल हो सकता है, आप रिफ्लेक्स में बोल सकते हैं सर क्वार्टरनरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्वार्टरनरी हाइड्रोजन, लेकिन बेटा क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नेवर भी पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन की बैलेंस ही मैक्सिमम फोर हो सकती है, तो फोर कार्बन ऑलरेडी अटैच हो सकते हैं, फोर कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बना सकता है, तो फोर कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ में बना चुका है, इसीलिए पांचवा हाइड्रोजन नहीं लगा सकता, इसलिए क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नेवर भी पॉसिबल। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें कि किस किस तरीके से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला तरीका होगा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम हर एक कोवलेंट बॉन्ड को, हर एक एटम को अलग अलग तोड़ करके लिख करके दिखाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट किया गया है। अभी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फोर होती है, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से और हाइड्रोजन एटम्स जुड़ेंगे इसमें, अब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। इसी तरीके से इसका नाम इथेन हो जाएगा क्योंकि इसमें दो कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये हो गया इथेन। ये है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब इसमें कार्बन की वैलेंसी फोर कीजिए तो एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन पर लगेगा, ये बन जाएगा आपका इथीन, क्योंकि ये दो कार्बन का इथीन है, दो कार्बन का एल्कीन है, इसलिए इसको इथीन बोला जाएगा। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, जब हम सारे बॉन्ड्स को खत्म करके इकट्ठा करके लिख देते हैं CH3 के फॉर्म में, तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, ये इथेन का फार्मूला है। ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथेन का फार्मूला है और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया इनको। बॉन्ड लाइन फार्मूला भी हो सकता है, तीसरा कैटेगरी जो होगा हमारे पास में वो होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला C4H10। अब इस C4H10 को हम बॉन्ड लाइन फार्मूला में कैसे दिखा सकते हैं, ये है हमारा C4H10। बेटा यहाँ पर जहां पर भी एंड होता है वहां कार्बन मानेंगे, जहां से लाइन मुड़ी होती है वहां कार्बन मानेंगे, तो ये दो कार्बन हुए, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, टोटल मिलाकर के आपके चार कार्बन हो गए, और इन कार्बन की बैलेंसी अगर आप फोर फोर करेंगे तो आपके 10 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो जाएंगे, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये है आपका ब्यूटेन, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये साइकिल की फॉर्म में है इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम चौथा तरीका यूज कर सकते हैं थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होगी, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसमें हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, वेज एंड डैश फार्मूला। वेज एंड डैश फार्मूला क्या होगा, ये है हमारा वेज और ये है हमारा डैश, समझिएगा वेज और डैश। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल्स जब बनाए जाते हैं तब वहां पर वेज फार्मूला और डैश फार्मूला का यूज किया जाता है। ये है हमारा सॉलिड तो इसको हम बोलेंगे वेज, और ये है हमारा डैश्ड वेज तो इसको हम बोलेंगे डैश फार्मूला।
इसका जो दूसरा तरीका होगा वो होगा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे थ्री डायमेंशंस में तो उसको हम बोलेंगे न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। जब हम लोग आइसोमेरिज पढ़ेंगे तो आइसोमेरिज में ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन हमारे पास आएगा। जब कंफर्मेशनल आइसोमेरिज ऑफ एल्केन्स हम पढ़ेंगे वहां पर हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब इस पर बनने वाले एमसीक्यूज की बात करते हैं, क्या क्या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड, फर्स्ट ऑप्शन है एस्टिक एसिड, यूरिया, मीथेन, इथेन। तो इसका आंसर क्या होगा, यूरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, यूरिया वाज सिंथेसाइज्ड बाय होलर, कोल्बे, वर्थलॉट, वर्जीलियस। तो इसका आंसर क्या होगा, होलर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कोल्बे सिंथेसाइज, कोल्बे ने क्या सिंथेसाइज किया था, आपको पहले से पता है यूरिया, एस्टिक एसिड, यूरोट्रोपिन, मीथेन। तो यहां पर कोल्बे ने सिंथेसाइज किया था एस्टिक एसिड, तो इसका राइट आंसर होगा एस्टिक एसिड। मीथेन वाज सिंथेसाइज्ड बाय, मीथेन को किसने सिंथेसाइज किया था, बर्थलॉट, वर्जीलियस, कोल्बे, होलर। तो इसका सही आंसर होगा वर्थलॉट। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय वर्थलॉट, कोल्बे, होलर, वर्जीलियस। बताइए राइट आंसर, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, वर्जीलियस ने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा वर्जीलियस।